शक्शुका बनाने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। इसके लिए सबसे पहले पैन लेंगे हम नॉन स्टिक, उसके अंदर 1 to 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो 1 स्मॉल चॉप डालिए आपने ले लेना है और उसे पैन में डाल देना। और इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम अब आप अपनी मीडियम लो कर लेंगे और इसे फ्राई करना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए, बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज कर लें। अब ये कलर चेंज हो गया इनका हल्का सा। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है मशरूम्स, 2 स्लाइस्ड मशरूम्स आपने लेनी है और वो ऐड कर देंगे क्योंकि मशरूम से एक लॉट ऑफ टाइम टू कुक, तो इसलिए आप उन्हें पहले ऐड कर दें। हल्का सा इन्हें फ्राई कर देंगे। 2 चॉप टोमेटोस, अभी आपने तब तक इसे फ्राई करना है जब तक ये टोमेटोज जो हैं वो बिल्कुल नरम ना हो जाए और कह रहे लाइक पेस्ट टाइप ना बन जाए। अब ये देखें आपके टोमेटोज जो हैं थोड़े सॉफ्ट अप हो गए हैं। सॉल्ट मैं ऐड करता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में भी नमक होता है तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ब्लैक पेपर आप लेंगे 1/2 टी स्पून, पाउडर लेंगे 1/4 टी स्पून, अपनी गार्लिक पाउडर लेना है ये भी 1/4 टी स्पून, पेपर किसी लाल मिर्च ये भी आप 1/2 टी स्पून जितना ले लें, कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सोया सॉस डालनी है अराउंड 1 टेबल स्पून, विनेगर डालना है 1 टेबल स्पून, उसके बाद आप थोड़ी सी चिपोटले सॉस है डिपेट की, ये ना हो तो आप चिली सॉस भी खाली यूज़ कर सकते हैं, ये आपने 1/2 टेबल स्पून डालनी है। आप चिली सॉस भी 1 1.5 टी स्पून, अगर आप चिली सॉस डाल रहे हैं तो फिर आप 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल रहे हैं। अगर आपकी बेस जो है ये तैयार हो गई है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा नमक चख लूँ, मेरा नहीं ख्याल के नमक की ज़रूरत है प्रोसेस के साथ ही। चिली मुझे क्योंकि स्पाइसी पसंद है ये ऑप्शनल है, तो सीख कबाब कोई भी आप सीख कबाब ले सकते हैं जो मार्केट में आपको कमर्शियली अवेलेबल है, फ्रोजन सीख कबाब वो डाल दीजिए। सॉसेज और ये आप बलोनी या मोर्टाडेला स्लाइसेस हैं, ये आप ऐसे ही टोटल ऐसे रखते दो आप, मैंने चीज़ भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम वाली एग्स देके और उनको आपने डालना है बिल्कुल आराम से तोड़ के, आपने दम पे रख लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे फॉर अराउंड 3 to 4 मिनट्स। और फिर उसके बाद यहाँ 5 मिनट्स दम हो गया है, अब हम इसे हटाएंगे। ये देखिए इसकी लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसे बस गार्निशिंग कर लेंगे, उसके लिए हम ये भी ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है डालें या ना डालें। बिल्कुल हल्का सा फ्रेश कोरिएंडर एग्स है, या आप ऑरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मिक्स्ड एग्स, बहुत तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देने हैं। एंड हल्की सी ब्लैक पेपर ताकि इसे बहुत अच्छी आ जाए।